हर हर महादेव मित्रों, काले पड़े पूजा के बर्तनों को मिनटों में चमका देंगे ये टिप्स। सावन का महीना कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। सावन के इस पवित्र माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना का खास महत्व होता है। माना जाता है कि सावन के महीने में सच्चे भाव से भोले बाबा की पूजा करने वाले भक्तों की भगवान सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी करते हैं। पूजा घर में ज़्यादातर पीतल या तांबे के बर्तन यूज किए जाते हैं। पूजा के इन बर्तनों को अगर लंबे समय तक साफ नहीं किया जाता है तो उनमें दाग धब्बे पड़ने लगते हैं, जो ना देखने में अच्छे लगते हैं और ना ही बाद में जल्दी साफ होते हैं। अगर आपके पूजा घर में रखे बर्तन और भगवान की मूर्तियाँ भी मैली से काली पड़नी शुरू हो गई हैं तो आप उन्हें मिनटों में कुछ आसान टिप्स अपना कर दोबारा चमका सकते हैं। काले पड़े पूजा के बर्तनों को मिनटों में चमका देंगे ये टिप्स। सिरका। मंदिर में रखे तांबे पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए सफ़ेद सिरका एक बेहतरीन उपाय है। इस उपाय को करने के लिए 2 चम्मच सिरके को 1 गिलास पानी में डालकर उबालना है। सिरके वाले इस पानी में साबुन मिलाकर पूजा के बर्तन को धो लें। ऐसा करने से पूजा के बर्तनों में पहली वाली चमक लौट आएगी। नींबू और नमक। पूजा के बर्तनों और चांदी की मूर्तियों को साफ करने के लिए आप नींबू और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 कटोरी में गर्म पानी लेकर उसमें 1 नींबू का रस और करीब 1 चम्मच नमक डालकर रखें। अब इस पानी में चांदी की मूर्तियों को 5 मिनट तक डालकर रखें। 5 मिनट बाद आप इन मूर्तियों को पानी से निकाल कर कपड़े से सुखाकर पोंछ लें। इमली। काले पड़ गए तांबे पीतल के बर्तनों को चमकाने के लिए इमली का यूज कर सकते हैं। इमली के इस उपाय को अजमाने के लिए थोड़ी सी इमली को पानी में भिगोकर छोड़ दें। इमली जब पानी में गल जाए तो उसे पानी में अच्छी तरह मसल कर इसे पूजा के बर्तन रगड़ें। इसके बाद बर्तनों को साफ पानी से धो लें। बेकिंग सोडा। मंदिर में रखी मूर्तियाँ और चांदी के बर्तन काले पड़ रहे हैं तो गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। जैसे ही इस घोल में बुलबुले बनने लगे आप इसमें पूजा के बर्तनों और मूर्तियों को डाल दें। 5 मिनट तक पूजा के बर्तनों और मूर्तियों को घोल में रखने के बाद इन्हें बाहर निकाल कर साफ पानी से धो लें। आप देखेंगे कि मूर्तियों में नई जैसी चमक आ गई है। गेहूं का आटा। आप गेहूं के आटे से भी बर्तनों की सफाई कर सकती हैं। इसके लिए 2 टेबल स्पून गेहूँ का आटा, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका मिलाएं और पेस्ट बना लें। ध्यान रखें कि पेस्ट गाढ़ा होना चाहिए। अगर घर पर सिरका नहीं है तो आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस पेस्ट को बर्तनों पर लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें। फिर स्क्रॉच ब्राइट की मदद से बर्तनों को रगड़ें और फिर साफ पानी से धो लें। बर्तन पहले जैसे चमकदार हो जाएंगे। डिटर्जेंट। इसके अलावा बर्तनों को साफ करने के लिए आप इन्हें डिटर्जेंट के पानी से रात भर भिगोकर रखें और फिर सुबह इसे रगड़कर साफ कर लें। बर्तन पहले जैसे दिखने लगेंगे। पीतंबरी पाउडर। बाजार में आपको पीतंबरी पाउडर मिल जाएगा। आप स्क्रॉच ब्राइट में थोड़ा सा पीतंबरी लगाएं, इससे बर्तनों को मांजें। इसके बाद पानी में बर्तनों को धुलें। इससे आपके पूजा के बर्तन चमकदार हो जाएंगे। स्क्रॉच ब्राइट। आप एक नया स्क्रॉच ब्राइट लें, इसमें सर्फ लगाकर बर्तनों को साफ कर लें। इससे आपके बर्तन साफ और चमकदार हो जाएंगे। इन आइडियाज को जानने के बाद अब इन गंदे बर्तनों को साफ करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो इन सिंपल ट्रिक्स को अपनाएं और टेंशन फ्री हो जाए। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।